टाइम 24 न्यूज जज्बा सच दिखाने का। यूपी के बुलंदशहर में खेत में मैण के विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। संघर्ष के दौरान एक बुजुर्ग को गोली और दो लोगों को गोली के छर्रे लगे हैं। संघर्ष में कुल 5 लोग घायल हुए। आनन फानन में घायलों को CHC सिकंदराबाद में भर्ती करवाया गया। जहां गंभीर हालत के चलते तीनों लोगों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया। खूनी संघर्ष की सूचना से पुलिस महकमे में खलबली मच गई है। सिकंदराबाद कोतवाली के गांव बोढ़ा में एक ही परिवार के दो भाइयों के बीच काफी समय से जमीनी विवाद चल रहा था। आज खेत की मेड़ को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में बदल गई। खूनी संघर्ष में लाठी डंडे और तमंचे निकल आई। कई राउंड फायरिंग की गई। गोली लगने से एक बुजुर्ग और गोली के छर्रे लगने से दो लोग घायल हुए हैं। संघर्ष में कुल 5 लोगों के घायल होने की सूचना है। घायलों को सिकंदराबाद CHC में भर्ती कराया गया, जहां 3 लोगों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया है। ये आज नवंबर 27 को दिन में सूचना मिली थाना सिकंदराबाद में कि गांव बोढ़ा में, जो खुर्जा गेट चौके में पड़ता है, उसमें गोली की सूचना हुई है। एक परिवार के दो लोग हैं जिन्होंने खेत के मेड़ को लेकर और इनमें कुछ विवाद था, तो उस पर दोनों पक्ष से फायरिंग हुई है। कुछ चोटें लगी है, सारी चोटें पैर से नीचे है, तो इनको अस्पताल भेज दिया गया है। चोटें प्रथम दृष्टिया फायर आर्म से दिख रही है, तो पुष्टि हो रही है कि फायरिंग हुई है। अभी मेडिकल कराने के बाद तहरीर लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग इस दौरान घायल हुए हैं और कितने लोगों को सर गोली लगने की सूचना? घायल जो थाने आए हैं 4-5 लोग हैं, उनका अभी मेडिकल किया जा रहा है, तो उसमें पुष्टि होगी कि किसको कितनी चोट है और कितने गंभीर है। दोनों एक ही परिवार के दो भाई हैं, तो दोनों के खिलाफ मुकदमे लिखे जाएंगे और दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। CO सिकंदराबाद गोपाल चौधरी का कहना है कि दो भाइयों के बीच खूनी संघर्ष की घटना हुई है। इस मामले में दोनों पक्षों के बीच FIR दर्ज कराई जा रही है। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।